हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग आज से आपका जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1 करने वाले हैं, यानी नंबर सिस्टम करने वाले हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट सीखे, जैसे बॉड मास का नियम, कैलकुलेशन में यूज होगा, पहाड़ा सीखा है ना, विभाजकता का नियम सीखा। ये सारे बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिए। चैप्टर 1 क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें पढ़ते क्या है? काफी सारे नंबर्स के बारे में पढ़े, है ना। तो एक एक करके देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें, वो सारे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपको क्लास 9 के कंसेप्ट पढ़ने के लिए पता होने चाहिए, है ना। तो हो सकता है इस क्रम में कुछ बच्चों को लगेगा ये सारी चीज तो सर काफी आसान है, मुझे पता है ना। तो हो सकता है, मैं भी मानता हूँ कुछ बच्चों को ये सारी चीज पता हो, लेकिन आप अगर पूरी क्लास करोगे तो कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे या आपका रिविजन हो जाएगा। जिसको नहीं पता है उनको तो समझ में आ ही जाएगा, जिनको पता भी है उनको भी काफी सारी चीज रिविजन होगा, काफी नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे जो यहाँ पर बताया जाएगा। होल सेक्शन के बारे में सभी को पता है, ये बताइए जल्दी से। होल सेक्शन के बारे में सभी को पता है, कैसे करेंगे? तीन डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करके जो भी आंसर सही लगता है बोर्ड पर क्लिक करना है ना। यहाँ पर भी क्लिक करोगे तभी आंसर आएगा। तो देखिए, यहाँ पर नंबर सिस्टम में सबसे पहला चीज क्या हमें पढ़ना है? अलग अलग प्रकार के संख्या के बारे में पढ़ना है, अलग अलग टाइप्स के नंबर के बारे में पढ़ना। बेसिकली तीन टाइप के नंबर सबसे पहले पढ़े, ठीक है। पहला होता है हमारे पास नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। सर, हाँ बताइए। आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ इसलिए सॉरी सर। यहाँ पे तेज आंधी आ गई सर और लाइट भी चली गई। अच्छा, आप अभी लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग देख लेना क्लास। ओके सर, थैंक देखिए, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक यानी इंटीजर। तो ये तीन चीज हमें सबसे पहले पढ़ना है। इसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानता है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी। तो सबसे पहला क्या है? नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, डेफिनेशन देखो। तो सबसे पहले जब भी आपको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर लिखा हुआ मिले, आपके दिमाग में आना चाहिए काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर करने का क्या मतलब है? ऐसे नंबर जिससे आप काउंटिंग कर सको, जिससे आप गिनती कर सको। डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, जिन संख्याओं से, वस्तुओं की, किसी भी चीज की आप काउंटिंग कर सको यानी गिनती कर सकते हो ना, वही नंबर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं अगर पूछूं, तो यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा है, बैलून है, गुब्बारा है। मैं आपसे पूछू कितना गुब्बारा है, मैं गिनती करने के लिए को क्या बोलोगे? चैट सेक्शन में लिख रहे कितने गुब्बारे हैं यहाँ, आप बोलोगे सिर्फ एक गुब्बारा है ना, एक गुब्बारा है। तो ये जो एक है, इससे आपने क्या किया, इस नंबर से आपने इस गुब्बारे को काउंट किया, गिनती किया। तो एक क्या हो गया, एक हमारे पास नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर बोलूं कि दूसरे वाले फिगर, इस वाले फिगर में कितने गुब्बारे हैं, तो इसको आप अगर काउंट करोगे तो आप क्या बोलोगे, इसको काउंट करके मुझे बताइए। चैट सेक्शन में लिखना है, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा। चैट सेक्शन में लिखिए, आप बोल दो 5 गुब्बारे आपने काउंट किया, बोला सर एक दो पांच तीन। अच्छा, माइक नहीं ऑन करने के लिए बोला गया ना, चैट सेक्शन में आपको लिखना है 4 5। तो टोटल यहाँ पर 5 गुब्बारे, ठीक है, टोटल 5 बैलून सर, ठीक। उसी तरीके से मतलब कह सकते हैं 5 क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, क्योंकि 5 से हमने गिनती किया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने गुब्बारे दिख रहे हैं, ये बताएं, इस वाले फिगर में कितने बैलून दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बोलोगे सर 8 गुब्बारे दिख रहे हैं, है ना। आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो 8 क्या हो गया, 8 भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से 5 से 8 से हम लोग किसी भी चीज की गिनती कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी के सभी नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसके आगे भी आप लिख सकते हो, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 9 तक होते हैं, आपके पास 10 पेन हो सकते हैं ना, 10 पेन हो सकते हैं। आप पेन की गिनती कर सकते हो कि टोटल 10 पेन है। आप लिख सकते हो हमारे पास 200 बुक है ना, तो 200 क्या है, 200 भी एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं लिख दू 505, है ना, तो ये भी क्या है, 505 एक नेचुरल नंबर है। तो जितने भी ये सारे नंबर, ये सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। 10 हो गया, 11 हो गया, ये बढ़ते ही जाएगा अनंत तक। तो ये समझ में आया कि नेचुरल नंबर होता क्या है, ये क्लियर है? जो भी
नंबर से हम लोग गिनती कर सके, वही नेचुरल नंबर कहलाए। ठीक है, क्लियर है? बस काउंटिंग नंबर याद रखिए। देखो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसका पहला अल्फाबेट एन है, तो नेचुरल नंबर को यानी प्राकृतिक संख्या को एन से रिप्रेजेंट करके एन से दर्शाते हैं। कभी भी आपको एन लिखा हुआ है इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, ये बताइए सबसे पहली प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा? जीरो नहीं कहेंगे आप, बोलोगे सर एक होगा, है ना? सबसे पहली प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है ना, प्राकृतिक संख्या देखो एक से प्रारंभ होगा, एक से ही शुरू होगा, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सबसे पहले तो ये याद रखो आप, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर पहली प्राकृतिक संख्या एक होगी, है ना, ये याद हुआ सभी को। ठीक है, अगर मैं दूसरी प्राकृतिक संख्या बोलूँ तो दो बोलोगे, तीसरी प्राकृतिक संख्या तीन बोलोगे, चौथी प्राकृतिक संख्या चार बोलोगे। ठीक है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ये ध्यान दीजिएगा, जीरो कभी भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं हो। अच्छा ये कह सकते हो ना जीरो क्यों नहीं होगा, आप पूछ सकते हो मेरे से, तो आप ऐसे समझो, आपको मैं मान लो यहाँ पर कुछ बॉक्स बना के दे रहा हूँ, ठीक है, ये बॉक्स आपको अगर मैं इसे गिनती करने के लिए बोलूँ आप कैसे गिनती करोगे मुझे बताओ? ऑप्शन ए है आपके पास, आपने गिना जीरो एक दो तीन, आपने बोला सर हमारे पास तीन बॉक्स है, ये सही होगा? या मुझे बताओ अगर मैं ऐसे गिनूँ एक दो तीन चार, चार बॉक्स, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए से हम लोग गिनती नहीं करते, जीरो से हम लोग गिनती नहीं करते, कोई भी चीज है तो आप गिनोगे ये एक दो तीन चार, जीरो को नहीं लिया ना, तो जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा क्योंकि जीरो से गिनती नहीं करते। ठीक है, तो एक दो तीन चार इस तरीके से हम लोग लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई कि जीरो को प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं कहेगी? तो ये हमें समझ में आ रहा है कि शून्य को शामिल नहीं किया गया है प्राकृतिक संख्या में। देखो जीरो क्या कह रहा है, जीरो कह रहा है मैं प्राकृतिक संख्या नहीं, क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना सभी प्राकृतिक संख्या होंगी क्या? देखो सभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो, ये ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखोगे एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से आप बढ़ते जाओ तो ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, है ना, अनंत तक बढ़ते जाएगा सभी नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन अगर मैं लिखूं 4.5, ये नेचुरल नंबर है क्या, ये प्राकृतिक संख्या है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये दशमलव संख्या, ये प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं। तो ये समझ में आया आपको, सिर्फ एक से नौ तक नहीं, एक से अनंत तक, ये मत बोलिएगा एक से नौ तक, एक से स्टार्ट होगा और अनंत पे खत्म होगा, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, एक से अनंत तक वो बढ़ते ही जाएगा, सिर्फ नौ तक नहीं कहिए। अगर मैं लिखूं 5.3 तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं, अगर मैं लिखूं 5/7 तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं, है ना, तो ये सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बस नेचुरल नंबर कौन सा होगा, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे पहला 10 प्राकृतिक संख्या लिख के दिखाइए, चैट में लिखना है आप पहला 10 प्राकृतिक संख्या, तो आप कैसे लिखोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, कहां तक लिखोगे? तो एक से स्टार्ट करोगे, फिर लिखोगे दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, है ना, तो पहला 10 बोला गया तो एक से स्टार्ट किया और 10 तक लिखा, क्लियर है, एक से 10 तक लिख दिया, कोई डाउट इसमें? अगर मैं बोलूं पहला 25, पहला 25, तो कहां से स्टार्ट करोगे, कहां तक लिखोगे, बताओ? आप स्टार्ट तो एक से करोगे, कहां तक लिखोगे? एक से 25 तक नंबर लिख देंगे, है ना, एक से 25 तक लिख देंगे, 1 से 25। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर लिख, ऋणात्मक नंबर लिख, जैसे कि मैं लिख दिया -5, यह प्राकृतिक संख्या है क्या? यह प्राकृतिक संख्या है क्या, कोई भी नेगेटिव नंबर? तो आप बोलोगे नहीं सर, आपने क्या बताया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक है ना, अभी तो बता रहा था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या पहली प्राकृतिक संख्या एक है, तो
-5 कैसे हो सकता है? -5 तो एक से भी छोटा हो गया, तो नेगेटिव नंबर जितने भी होंगे, अगर मैं लिख दूं -20, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक है, बस एक के आगे होगा, एक के आगे आप बढ़े अनंत तक, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, और एक से ध्यान दीजिएगा, अनंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनंत को इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, इनफाइनाइट कहते हैं, लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 8 को जैसे आपने 8 लिखते हो ना, बिल्कुल 8 से मिलता जुलता है, आप 8 ऐसे लिखते हो, तो इसको आप रोटेट कर दो, ऐसे घुमा दो, तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है। क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर है? चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोल सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन है नेचुरल नंबर का। अच्छा, हो सकता है अगर 1-2 सेकंड के लिए मेरी स्क्रीन ना दिखे, ठीक है, तो फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो मुझे चैट में लिख के आप लोग बताओगे। फिर से अगर स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाए तो आप मुझे बता दो। आप दिख रही है? ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ठीक, अभी मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या है। आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। किसी को पोल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पोल के बारे में नहीं पता, तो आप देखो नीचे में यहाँ पे समझाने के लिए भी लिखा हूँ। सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करना है। 4 ऑप्शन देखेंगे, ABCD, जो भी आंसर सही लग रहा हो आपको उस पर क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। ट्राई करो। ठीक है, सभी के आंसर आ गए, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया, काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी का आंसर सभी लोग देंगे, ठीक है। 5 सेकंड में इसको एंड करता हूँ, अगर अभी भी किसी का बचा हुआ है, 2-3 बच्चे का बचा हुआ है, जल्दी से आंसर करो। 5 सेकंड में मैं एंड करता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। समझे इसको? यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको एक प्राकृतिक संख्या को पहचानना है इनमें से। तो 1/2 तो भिन्न है, आपको बताया गया कोई भी फ्रैक्शन नंबर भिन्न का संख्या a बाय b का p बाय q के फॉर्म में रहेगा, तो इसे आप प्राकृतिक संख्या नहीं बोलोगे, ठीक है। 0 को अभी आपको समझा रहा था ना कि 0 से आप गिनती नहीं करते, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कोई भी निगेटिव नंबर, ऋणात्मक नंबर हमारे पास, उसको नेचुरल नंबर नहीं कहते, प्राकृतिक संख्या नहीं कहते। तो हमारा सी आंसर, ऑप्शन सी सही होगा, 5 एक प्राकृतिक संख्या है। आप 5 से किसी चीज की गिनती कर सकते हो, जैसे आपके पास पेन है तो आप गिन सकते हो ना, हमारे पास 5 पेन है ना, 5 हमारे पास क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ये क्लियर है सभी का? ऐसे सभी के आंसर सही आए थे, तो ये तो समझ में आ रहा है सभी को। इतना बताइए, आगे कर डाली, अगला क्वेश्चन करें। चलिए, इस क्वेश्चन में आपने क्या किया? नेचुरल नंबर को पहचाना, प्राकृतिक संख्या को पहचाना। अगले क्वेश्चन में आप ये पहचाने कि कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो नहीं है ना, नॉट अ नेचुरल, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है वही आपका आंसर। ट्राई करो सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं? कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, होल में ही आंसर दीजिए। देखो नीचे में मैं लिख के बताया हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, वहां से आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, फिर वोट पर भी क्लिक करना है।
वोटेड लिखा हुआ आएगा तभी आपका आंसर सबमिट होता है। ट्राई करिए, अभी भी 3-4 बच्चों का बचा हुआ है, सर करो जल्दी से। टेन सेकंड्स और होते हैं, अभी भी आंसर नहीं हुआ तो 10 सेकंड में एंड करूंगा, जल्दी से आंसर करो। इसमें देखो ये सारे क्वेश्चन आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सीधे सीधे आप देखोगे आंसर कर दोगे। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 टाइम, है ना। ऐसे काफी अच्छी बात है कि आप सभी लोग आंसर कर रहे हो, है ना, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। तो इसमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आप बोलोगे सर 623, ये तो क्या एक नेचुरल नंबर है ना, इससे हम लोग किसी भी चीज की गिनती कर सकते हैं, 623 कलम हो सकते हैं, 623 बक्से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 10,011 इससे भी गिनती कर सकते हैं, 6 से भी गिनती कर सकते हैं, ना काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। ये क्या दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर। तो आपको ये बताया था कि कोई भी डेसिमल नंबर 5.3 के फॉर्म में रहे, 2.4 के फॉर्म में रहे, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा, ये प्राकृतिक संख्या नहीं, नॉट अ नेचुरल, है ना। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या, ये बताइए। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए फिर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करिए, यहाँ पर आपसे पहला 5 प्राकृतिक संख्या को आइडेंटिफाई यानी पहचानने के लिए बोला जा रहा है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, मतलब पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं को पहचान। देखो इसमें सभी ऑप्शन में 5-5 नंबर तो सभी ऑप्शन में लिखे गए, लेकिन पहले 5 को पहचानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट 5, पहला 5 कौन सा है। अच्छा रामचंद्र के नाम, रामचंद्र के नाम से जो बच्चे, आपका माई कौन था। देखो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, हो सकता है गलती से ही आपके क्लिक हो जाती हो माइक पे, तो माइक पर क्लिक मत करना, सावधानी से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना। गलती से भी अगर आपका माइक ऑन हो रहा है तो क्या होता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब। आंसर करिए जल्दी से, ठीक है। काफी लोगों ने आंसर कर दिया है, अभी हम लोग 10 सेकंड्स और रुकते हैं, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स और। ट्राई करिए, 5 सेकंड्स और, आखिरी के 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। अच्छा कुछ बच्चे हैंड रेज जो कर रहे हैं, आपको हैंड रेज भी नहीं करना है, ठीक है। आपका कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अभी देखो चैट आपका खुला है, इसको समझते। देखो बोला क्या जा रहा है, पहली 5 प्राकृतिक संख्या। अभी सभी ऑप्शन को मैं देखा तो सभी में 5-5 नंबर लिख रहे, पहला 5 कौन सा। अगर मैं सीधे आपसे पूछूं ना कि पहला प्राकृतिक संख्या बताइए, पहली प्राकृतिक संख्या आप क्या लिखो, मेरे चैट में लिख कर बताइए। फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहली प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आप बोलोगे सर पहली प्राकृतिक संख्या आपने बताया 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी 2 हो जाएगी, तीसरी 3, चौथी 4, पांचवी 5, है ना। तो अगर पहला 5 बोला जाएगा तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से 5 तक सभी नंबर को लिख दोगे, है ना, 1 2 3 4 5। तो अगर ऑप्शन ए को देखो तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा 0 कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा सही उत्तर, ठीक है। ऑप्शन डी में तो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव कभी भी प्राकृतिक नहीं होता, तो ये क्लियर हुआ सभी को, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा।
एक से पांच तक लिखना है अगर हमें पहली पांच प्राकृतिक संख्या के बारे में बोला जाए। अगर पहला सात बोला जाए तो एक से सात तक लिख दोगे, पहला सौ बोला जाएगा तो एक से सौ तक लिख दोगे, है ना। स्टार्ट हमेशा एक से होगा जहां तक बोला जाए। मुझे बताइए अगर मैं आपसे बोलूं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, आपका आंसर क्या होगा? सबसे छोटी तो एक बोला, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बोलोगे? तो आप इसका आंसर बोलोगे सर अनंत होगा, है ना, इनफाइनाइट होगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है, कितना ही बड़ा बोलोगे उससे भी बड़ा हो सकता है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, नौ या दस ऐसा मत बोलिएगा, ठीक है अनंत सर। प्राकृतिक, चलिए ये बताइए प्राकृतिक संख्या को यस सर। चलिए माइक नहीं ऑन करना है अभी, जो मैं पूछ रहा हूँ चैट में आंसर बताइए। प्राकृतिक संख्या को या नेचुरल नंबर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं या एन से रिप्रेजेंट करते हैं? सर आपकी कट कट की आवाज आ रही है सर। तो एक बार आप लेफ्ट करो और रिज्वाइन करो, हो सकता है सही हो जाए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चैट में लिख के बताइए जल्दी से किस किस को नहीं आ रही। आ रही है तो वाई लिखिए, आ रही है तो वाई लिखिए। एक दो बच्चे को नहीं आ रही, बाकी सभी को आ रही है, ठीक है। एक मिनट आपको रुकना है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। अभी देखो सही जा रही है क्या? अभी बताइए, अभी ठीक हो गई होगी आवाज, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आवाज में तो एक बार आपको लिफ्ट करना है, फिर से रिज्वाइन कर लेना है, आवाज सही हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, इस वाले का आंसर बताइए। पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से दर्शाते हैं या एन से दर्शाते हैं प्राकृतिक संख्या को? आप बोलोगे नेचुरल नंबर लिखते हैं इंग्लिश में तो एन से दर्शाते हैं, ठीक है, पी से नहीं दर्शाते। आगे बढ़ते हैं, देखो तो अगला नंबर जो है आपके पास वो है होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण का मतलब ही होता है पूरा, है ना। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा मतलब होल। तो पहला चीज तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को दर्शाते कैसे, होल नंबर को दर्शाते कैसे। तो इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं तो इसको डब्ल्यू से दिखाते, है ना, डब्ल्यू से दर्शाएं। इतना नोट कर लिया सभी ने, होल नंबर को डब्ल्यू से दर्शाते। डेफिनेशन क्या है? देखो जितने भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या के संग्रह में अगर हम शून्य को भी शामिल कर ले, शून्य को भी ऐड कर ले, तो होल नंबर का कलेक्शन मिलता है। जैसे मैं कह रहा हूं एन में लिख रहा हूं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो आप लिखोगे एक दो तीन चार पांच छह, इस तरीके से ये बढ़ते जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि होल नंबर लिखिए, पूर्ण संख्या लिखिए, तो आप क्या करोगे, सभी प्राकृतिक संख्या में एक जीरो को भी मिला लो, है ना, जीरो के साथ स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करोगे जीरो, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच, इस तरीके से। और कहां तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो जीरो से स्टार्ट होगा, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट हो, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट हो रहा, क्लियर है। देखो तो यहां पर क्या लिखा गया है, एक से नौ तक, इसे तो आप लोग प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, इसमें अगर एक नंबर जीरो को भी ऐड कर लिया तो इसे हम लोग पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहली या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो, ये बताइए, सबसे छोटी या सबसे पहला पूर्ण संख्या क्या होगा, चैट में लिखिए। जीरो, है ना। तो आपसे मैं कभी बोलूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए या पहला पूर्ण संख्या बताइए तो आपका आंसर जीरो आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी पूछूं तो क्या बोलोगे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर पूछूं तो क्या बोलोगे, लार्जेस्ट होल नंबर, अनंत। अच्छा फिर से मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि अब मैं बिना वार्निंग के आपको क्लास से रिमूव कर दूं, आप फिर कभी क्लास नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके स्कूल में कंप्लेन चली जाए, आप लॉक कर दिए जाओ,
ठीक है, तो आगे से एक भी क्लास आप कर नहीं पाओगे। आप आंसर सही भी दे रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, पूरी क्लास एक तरीके से डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से माइक डोर ऑफ कर दूँ तो हो सकता है कुछ बच्चे का क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिर आप कोई भी डाउट भी नहीं पूछ पाओ, ठीक है, अगर मैं माइक बंद कर दूँ, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिए कि आप क्लास को डिस्टर्ब ना करो, आपके लिए ही बोला जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज फिर मैं बार बार यही बोलते रहूंगा कि माइक बंद करो, माइक बंद करो, तो फिर आपको फिर समझ में नहीं आता, क्लास सही से नहीं चल पाए। आप स्कूल भी जाते हो तो आप क्या करते हो कि डिसिप्लिन मेंटेन करते हो ना, वहां पर अनुशासन में रहते हो, क्लास में शांति का माहौल बनाते हो, है ना। तो वही चीज यहाँ भी करना है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आगे से आप लोग माइक नहीं ऑन करो, ठीक है। तो जीरो क्या हुआ, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, और अनंत बोलोगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ठीक है, मतलब अनंत होगा। सबसे बड़ी के बारे में बोला जाए तो अनंत। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं पहला चार पूर्ण संख्या लिखे, अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या लिखे, कहां से कहां तक लिखोगे? पहली चार पूर्ण संख्या लिखने के लिए बोली जा रही है, फर्स्ट फोर नेचुरल, सॉरी होल नंबर। देखो, जीरो से चार तक नहीं लिखोगे या एक से चार तक नहीं लिखोगे। आप बोलोगे सर आपने बोला कि सबसे पहला पूर्ण संख्या तो जीरो होता है, तो आपने जीरो लिखा, दूसरा एक हो गया, तीसरा दो होगा, तीसरा तीन होगा, चौथा तीन होगा, है ना। तो जीरो से स्टार्ट किया और तीन पे खत्म किया। देखो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, चार बोला जा रहा है तो तीन तक लिखा गया। अगर मैं बोलूं पहला 20 पूर्ण संख्या, तो आपको सारे नहीं लिखने, बस मुझे बताओ कहां से कहां तक लिखोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे और कहां तक लिखोगे, जीरो से कहां तक लिखोगे? पहला 20 अगर बोलो तो जीरो से 20 तक लिखोगे तो 21 नंबर हो जाएंगे, है ना। तो जीरो से 19 तक लिखोगे, देखो एक से 19 तक तो 19 नंबर हो जाएंगे और एक जीरो हो जाएगा 20वां, है ना। अगर मैं पहला 8 बोल तो जीरो से जीरो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऐसे लिखोगे, है ना। अगर मैं पहला 9 बोल रहा हूँ, पहला 9 बोल रहा हूँ तो 8 तक लिखोगे, इतना क्लियर। पहला 8 बोलता तो 7 तक लिखते, ठीक है। ये क्लियर है सभी का, इतना क्लियर है। ये तो आपको बता दिया गया कि होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जिस बच्चे का भी माइक ऑन था आप माइक ऑफ करो, ठीक है। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में होल होता है पहली अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक चीज समझ, अच्छा मैं माइक अभी बंद कर रहा हूँ, अगर किसी की क्लास लेफ्ट हो जाती है, डिस्कनेक्ट होती है, तो आप फिर से ज्वाइन कर लें, ठीक है। अभी कोई भी माइक नहीं ऑन करता है, ठीक है। अब इसको समझते, यहां बताइए मुझे, अगर मैं लिखूं, आप नेचुरल नंबर लिखो, तो आप क्या लिखोगे, एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से आप बढ़ते जाओ, ठीक है। अगर मैं लिखूं होल नंबर, तो आप कहोगे सर जीरो से स्टार्ट करते हैं, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से बढ़ते जाए, ठीक है, इस तरीके से बढ़ो। जितने भी, अगर मैं आपसे यहां पर पूछ लूं कि तीन जो नंबर है, तीन प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि दोनों है, ये बताओ, तीन प्राकृतिक संख्या है या तीन पूर्ण संख्या है या तीन दोनों ही नंबर, आपका आंसर क्या होगा? दोनों ही होगा, है ना। आप बोलोगे सर तीन प्राकृतिक संख्या भी है, तीन होल नंबर भी, पूर्ण संख्या भी है, तो आप बोलोगे नेचुरल भी है सर, होल भी है, दोनों ही है, बोथ, है ना, ठीक है, दोनों ही, ठीक है, ये क्लियर है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। चलो, मैं अगर बोलूं कि सभी प्राकृतिक संख्या, ये बताइए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी क्या? हाँ या ना, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होगी क्या? तो आप बोलोगे यस सर, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होगी। जैसे देखो एक, ये प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है, इस तरीके से जितने भी नंबर दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, जितने भी प्राकृतिक संख्या है ना, ये सभी के सभी होल नंबर में भी तो है, होल नंबर में भी सभी रहेंगे,
लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं इसका उल्टा, ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे इसका उल्टा पूछ दूं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगा क्या? अब यहां पर आंसर आएगा नो, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगा। कैसे? एक नंबर हमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है जीरो, है ना, इसको समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। जीरो एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या तो है, जीरो के बारे में आप क्या बोलो, सर ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है ना, ये प्राकृतिक नहीं है। क्लियर हुआ? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोई ऐसा संख्या जो पूर्ण हो प्राकृतिक नहीं हो, तो आप बोल देना जीरो, जीरो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं बीसवां पूर्ण संख्या बताइए, आपका आंसर क्या होगा? बीसवां पूर्ण संख्या क्या होगा? तो एक कम लिखेंगे, है ना, 19 लिखेंगे, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं बोलूं 100वां, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 99, है ना, क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, इसलिए। कितना क्लियर है? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा, तो सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आंसर पोल में ही देना है आपको, इसमें से कौन से पूर्ण संख्या है, बस पूर्ण संख्या को पहचानना है, जिस तरीके से आपने प्राकृतिक संख्या पहचाना उसी तरीके से पूर्ण संख्या को भी पहचानना है। 1/2 जीरो, 1/3 या -6, ट्राई करिए, जो भी आपको आंसर सही लगे वो आंसर दो, उससे ये मुझे पता चलेगा कि आपको कितना आप सीख रहे हैं। तीन डॉट पे क्लिक करिए, एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर वोट पे क्लिक करना है, जो भी आंसर सही लगे उसको क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक करो। चलिए काफी लोगों ने आंसर दिया है, 10 सेकंड रुकेंगे, ठीक है, 10 सेकंड और है आपके पास, 10 सेकंड में पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे। फाइव सेकंड और, आखिरी के 5 सेकंड और है। फाइव फोर थ्री टू वन, अब समझते हैं इसको। अच्छा, जो भी बच्चे का हैंड रेस कर रहे हो, अगर कोई भी डाउट है तो आप अभी माइक यहाँ चैट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। देखिए आपको क्या बोला गया, पूर्ण संख्या को पहचानना है, है ना, कौन सी पूर्ण संख्या, तो आपको बताया गया ना कि कोई भी भिन्न जो होगा, यहाँ पर से आप ये देखिए, जो भी भिन्न होगा वो नेचुरल नंबर भी नहीं था, है ना, तो आप पूर्ण संख्या किस तरीके से लिखते हो, जीरो लिखोगे, फिर एक लिखोगे, दो तीन चार, इस तरीके से लिखो, है ना, तो कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर रहेगा, है ना, भिन्न के फॉर्म, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, पूर्ण संख्या ये नहीं, तो ये भी नहीं, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया गया ना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो जीरो होगी, जीरो से छोटा नंबर पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, तो कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होगा, नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं हो। अगर मैं लिख दूं -5 तो ये पूर्ण संख्या नहीं, -10 ये भी पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है, तो पूर्ण संख्या कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जीरो हमारा होल नंबर, ये क्लियर हुआ। और कह सकते हो जीरो से ही स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, क्लियर हुआ सभी का, ये बताइए ये समझ में आया, ऐसे सभी के आंसर सही थे मैक्सिमम लोगों के। अगला क्वेश्चन करिए, काफी आसान है, यहां पर आपको यह बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी,
सबसे छोटी पूर्ण संख्या या मैं बोलू पहली पूर्ण संख्या, तो आप ये बताओ कौन सा आंसर होगा। माइनस का एक होगा, एक होगा, 0.5 होगा या जीरो होगा? माइनस का एक होगा, एक होगा, 0.5 होगा या जीरो? सीधे आपको याद होना चाहिए सबसे छोटा पूर्ण संख्या या पहला पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 15 सेकंड में इसको एंड करूंगा। अगर अब तक नहीं आंसर किया हो तो जल्दी से आप ट्राई करो। 10 सेकंड्स लास्ट 10 सेकंड्स, ठीक है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। यहां पर आपको देखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, या मैं आपको बोलूं सबसे छोटी कहने का मतलब क्या हुआ, पहली पूर्ण संख्या आपसे पूछी जा रही है, पहली पूर्ण संख्या बताइए। सबसे पहला पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो होता है। सीधे सीधे तो आपको याद करवाया गया है ना, सबसे पहला या सबसे छोटा जीरो होगा, है ना। तो आप कहोगे ऑप्शन डी सर हमारा सही उत्तर है ना। अच्छा, बी या डी की वैल्यू, बी कैसे हो सकता है? बी सबसे छोटा नहीं, बी पूर्ण संख्या है। देखो इसे आप कहोगे कि सर हाँ ये तो पूर्ण संख्या है बिल्कुल, लेकिन सबसे छोटा है क्या, सबसे छोटी वाली है क्या? तो नहीं, सबसे छोटा वाला नहीं, सबसे छोटा ये जीरो, एक से छोटा जीरो होता है ना, क्लियर हुआ। और माइनस एक, अगर मैं यहां पर बोलू माइनस एक के बारे में आप क्या बोलोगे, तो माइनस एक तो पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो ये भी पूर्ण संख्या है ही नहीं, है ना। तो बी या डी नहीं बोलना है, तो डी बोल, ठीक है, क्लियर है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या डी, जीरो, क्लियर। अगर मैं आपसे बोलू कि पहला पांच पूर्ण संख्या को बताइए, फर्स्ट फाइव होल नंबर, तो इसका आंसर डी। इसमें से देखो सभी ऑप्शन में पांच पांच पूर्ण संख्या तो सभी में लिखे हैं, है ना, पांच नंबर सभी में लिखे हैं। आपको बताना है पहला पांच कौन सा है, आप स्टार्ट कहां से करोगे, जीरो से, दो से, एक से या माइनस एक से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? देखिए अगर फर्स्ट फाइव नेचुरल होल नंबर की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट फाइव होल नंबर्स, पहले पांच पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बता। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। 10 सेकंड और रुकते हैं, 5 सेकंड और रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम, है ना। यहां पर आप क्या बोलोगे, अगर सर हमें पहला पांच पूर्ण संख्याओं को लिखना है, आप स्टार्ट कहां से करोगे, जीरो से, तो जीरो जो पहला हो गया, ठीक है, उसके बाद एक लिखोगे या दूसरा हो गया, उसके बाद दो लिखोगे या तीसरा हो गया, उसके बाद तीन लिखोगे चौथा हो गया, और उसके बाद चार लिखोगे या पांचवा हो गया। मतलब आपने जीरो से स्टार्ट किया और चार पे खत्म किया, है ना, तो जीरो से चार तक लिखना है। तो कौन से ऑप्शन में जीरो से चार तक लिखा गया है? तो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है कि सर जीरो से चार तक लिखा गया है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ? देखो ये पांचों पूर्ण संख्या तो है, लेकिन पहला पांच नहीं, दो से शुरू हो रहा है, तो ये नहीं हो, ठीक है, यहाँ एक से शुरू हो रहा है, ये नहीं हो, और ये तो माइनस एक से शुरू हो रहा है, और ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, माइनस एक क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही। और इस तरीके से आपको वैसे से ही ध्यान रखना है, अगर मैं बोलूं पहला 20, तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे और 19 तक लिख दोगे, ठीक है,
अगर मैं बोलूं पहला 50, तो 0 से लिखोगे और 49 तक लिख दो, क्लियर है? अच्छा, संदीप के नाम से जो बच्चे हो आप बस एक बार ये लिखोगे, ठीक है? इतनी सारी ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है किसी का कमेंट फिर मिस हो जाएगा, ठीक है? तो 0 से 49 तक इस तरीके से लिख दो, ठीक है? तो ये सारी चीज अगर समझ में आ गए तो जल्दी से यस लिख के बताओ, कोई भी डाउट है तो यस लिखो और डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, समझ में आ गया तो वाई लिखें, ठीक है? तो आगे देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। तो अगला नंबर आपको बताया गया ना कि तीन तरह के नंबर हमें पढ़ने थे, पहला प्राकृतिक नेचुरल नंबर, दूसरा पूर्ण यानी होल नंबर, तीसरा इंटीजर यानी पूर्णांक। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर, लेकिन इंटीजर पढ़ने के पहले हमें कुछ और कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है। तो पहले ये देखते हैं तभी जाके हमें इंटीजर समझ में आएगा, है ना? तो देखो, जब भी पॉजिटिव नंबर बोला जाए, धनात्मक संख्या बोली जाए, तो वैसी संख्या बस इतना ध्यान रखिएगा, वो नंबर जो 0 से बड़ा, है ना, 0 लिखोगे, 0 से दाईं तरफ जो बड़े नंबर होते हैं, तो ये सारे नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, ये सब नंबर क्या होंगे, ये सब पॉजिटिव नंबर, ठीक है, धनात्मक हो। इसको लिखने के लिए आप या तो प्लस का साइन लगाते हो या बिना साइन के भी लिखते हो। जैसे मैं अगर लिख दूं 5, इसका मतलब ही ये हुआ कि आगे में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब 5 ही है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 40, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव 40 है, प्लस का 40। ये क्लियर हुआ कि पॉजिटिव नंबर कैसे लिखते हैं? ये क्लियर हुआ, धनात्मक नंबर को साइन के साथ लिखते हैं या बिना साइन का लिखते हैं, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि धनात्मक नंबर को, पॉजिटिव नंबर को प्लस का साइन लगाते हैं या बिना किसी चिन्ह के निरूपित कर देते हैं। तो यहाँ 1 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये प्लस का ही 1 है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ये 0 से बड़ा है कि छोटा है बताइए, ये सारे नंबर 0 से बड़े हैं कि छोटे हैं? तो ये सारे नंबर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जो भी नंबर 0 से बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया, ऋणात्मक क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, जो भी नंबर 0 से छोटा होगा, 0 से कम होगा, 0 से जो छोटा होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। और नेगेटिव नंबर में आप बिना साइन का नहीं लिख सकते, बिना चिन्ह का नहीं लिख सकते, आपको 0 से छोटा लिखना है तो आपको -20 लिखना पड़ेगा इस तरीके से। अगर -5 को लिखना है तो -5 लिखो, ये बिना साइन का आप नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये ऋणात्मक, ये नेगेटिव होगा। ये समझ में आया कि नेगेटिव नंबर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाकर ही दर्शाते हैं, है ना, माइनस का साइन जरूर लगाते हैं। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे के सारे नंबर 0 से छोटा है ना, 0 से छोटे हैं, 0 के बाईं तरफ इस तरीके से इधर लिखते हैं, है ना, -1, -2, -3 इस तरीके से लिखेंगे। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आया, 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव। तो 0 क्या होगा, 0 क्या होगा, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। 0 क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ए बी सी या आंसर भी। अच्छा, सी कह रहे हो आप लोग कि ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, बिल्कुल सही कह रहे हो। कि 0 क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 0 ना ही ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो 0 क्या है, न्यूट्रल है, नेगेटिव भी नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि 0 नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, ऐसा क्यों, व्हाई, क्यों ऐसा है? देखो ये आपका कंफ्यूजन हो सकता है, देखो समझिएगा ध्यान। आप बोलोगे सर 0 के आगे तो कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब तो ये प्लस का 0 होना चाहिए, तब तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, धनात्मक होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, धनात्मक नहीं होगा। देखो आप धनात्मक को कैसे डिफाइन करते हैं, ये समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। धनात्मक नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो,
हाँ वैल्यू नहीं है, लेकिन ये समझिए आप, जो भी पॉजिटिव नंबर होगा वो जीरो से बड़ा होगा, है ना, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। जो भी नेगेटिव नंबर होगा वो जीरो से क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, ठीक है। अब जीरो क्या है, जीरो ना जीरो से बड़ा है ना ही जीरो जीरो से छोटा है ना। तो आप ना ही जीरो से बड़ा बोल सकते हो ना ही जीरो से छोटा बोल सकते हो, जीरो तो जीरो के बराबर है ना, जीरो तो अपने आप के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, जीरो जीरो के बराबर है, तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया। जैसे आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप अपने आप से ना ही बड़े हो ना ही अपने आप से छोटे हो, है ना, तो ना ही बड़े हो ना ही छोटे हो तो क्या कहोगे, अपने आप के बराबर, ठीक है। तो ये ना ही पॉजिटिव में जाएगा ना ही नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज, बड़ा और छोटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सीख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं दो नंबर लिख रहा हूं ए और बी, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसका मतलब होता है कि ए बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी से बड़ा है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसका मतलब हुआ ए बी से छोटा है, ठीक है। जिधर का भी ये मुंह खुला हुआ रहेगा, बड़े नंबर की तरफ से ये मुंह खुला हुआ रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, इसमें ए बी से बड़ा है, इसमें ए बी से छोटा है, ठीक। तो मुझे बताइए मैं जो लिख रहा हूँ कौन सा सही है, ऑप्शन ए 5 ग्रेटर देन 3, ऑप्शन बी 5 लेस देन 3, कौन सा सही है, पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है। पहला वाला बोलोगे, है ना, बोलोगे सर 5 बड़ा है ना, तो 5 की तरफ खुला हुआ होना चाहिए, है ना, तो 5 की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि एक तरफ लिखूं 10 और यहां पर मैं लिख दूं 0, तो बताओ कौन सा सही है, ये वाला सही है या 10 ग्रेटर देन 0, ये वाला सही है, ए या बी, ये बताइए। आप बोलोगे जो नंबर बड़ा है उधर के खुला हुआ होना चाहिए, तो 10 बड़ा है ना तो 10 के तरफ ये ओपन होना चाहिए, तो 10 के तरफ ओपन है तो ये वाला सही है, ये गलत है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अगर मैं यहां पर लिखूं 5 और यहां पर मैं लिख दूं -5, है ना, तो मुझे बताइए कौन सा साइन लगाओगे आप, ए बी सी, तीन ही ऑप्शन है, यहां पर आप लगाओगे ये साइन या ये साइन या बराबर, यहां पर आप क्या लगाओगे, ए बी या सी, आप बोलोगे सर 5 बड़ा है -5 से, है ना, ये क्या है, जीरो से छोटा नंबर है, ये जीरो से बड़ा नंबर है, तो ये नंबर -5 से तो बड़ा होगा ना, तो ऐसे का लिखे, तो ऑप्शन ए सही। ये क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव को आप इस तरीके से समझ सकते हो, अब ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ, ये जो भी नंबर है ये जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो इस नंबर को आप क्या कहोगे, ऐसे सभी नंबर जो जीरो से बड़ा है ऐसे नंबर को आप पॉजिटिव कहोगे, धनात्मक कहोगे, है ना। तो यह धनात्मक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। तो पॉजिटिव को आप ए ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो, समझ में आया, वो सभी नंबर जो जीरो से बड़े हैं, क्लियर है। अगर मैं नेगेटिव लिखने के लिए बोलूं, अगर ऋणात्मक नंबर को लिखने बोलूं, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ए लेस देन 0, है ना, ये जीरो से छोटा है, वो सभी नंबर जो जीरो से छोटा होंगे वो नेगेटिव कहलाएंगे, ठीक है, ए लेस देन 0 लिखे, ठीक है। ये क्लियर हुआ, इतनी बातें क्लियर है। ग्रेटर का साइन का मतलब क्या हुआ, लेसर का साइन का मतलब क्या हुआ, किस तरफ का मुंह खुला रहेगा, ठीक है। तो अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है, तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इंटीजर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको होमवर्क नोट करना है, होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट कर, ठीक